जसदीप देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करदा। अज मैनू साह नहीं आ रहा, तो तुहानूं वी नहीं आ रहा का। तो इस टी वी स्टूडियो दे विच अक्सर जिक्र उदों हुंदा, असीं इस गल नूं मन्नण तों इनकारी नहीं हैगे, जदों प्रदूषण वधदा हैगा। पर प्रदूषण वध्या क्यों हैगा, तो प्रदूषण वाधा क्यों पिया हैगा, तो प्रदूषण का हल की हैगा, इस बारे डिबेट होनी लाजमी है की है, पूछा जाना चाहिए हैगा। इल्ज़ाम तराशियाँ खूब हो रही, कोर्ट्स तक मसले पहुँच के है कि है, इल्ज़ाम तराशियाँ करके मीडिया के सारिया सुरखियां बन गई, पर सुरखियों के अकली दिल्ली का ही जिक्र होया, दिल्ली का ही जिक्र होया, क्योंकि देश की राजधानी है कि है। बाकी थावां ती प्रदूषण बहुत वध्या है, उन्होंने थावां का जिक्र क्यों नहीं। तो सवाल यह पूछा जाना लाजमी है कि मास्क पा के पूरे इंडिया को घुमाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि प्रदूषण तो मूँह वो लोग छुपा रहे हैं जो प्रदूषण में तंग है कि है, जो वो लोग छुपा रहे हैं जो एसी कमरे में बैठ के नीति करते हैं कि है। इस सवाल क्यों पूछा कि प्रदूषण तो मुंह कौन छुपा रहा। शहर शहर हवा हुई जहर, अज बहस क्यों कर रहे तुम दस दिए, देश की राजधानी दिल्ली का दम घुटिया तो प्रदूषण से कमसान मच गया, जहरीली हुई हवा से सियासी इल्जाम तराशियों को खूब सुरखियां मिली। सुरखियों दिल्ली NCR में प्रदूषण पीड़ित दस के देश के बाकी हिस्से तकरीबन भुला दते कि इन्होंने पंजाब के कुछ हिस्से से, हरियाणा के कुछ हिस्से से, यूपी के कुछ हिस्से से, यूपी के कुछ हिस्सों के प्रधानमंत्री साहब का शहर भी शामिल है। सूबा सरकार तो केंद्र सरकार तक ने AC कमरे में बैठक की, मुस्तैदी दिखाई की, कार्रवाइया हो गई, PMO ने रखी हालातों पर नज़र, हुण भी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक तक कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, ड्यूटी निभाने में सरकार नाकाम रही, सुप्रीम कोर्ट ने होर भी सवाल चुके हैं ग्राफिक जरिए, तुम वो भी देखो देखोगे जरूर। NGTV सरकारी पक्ष तो संतुष्ट नहीं है, क्या देरी नाल चुके जाते हैं कदम, दिल्ली में OD उलंघना से कट्टे गए चलान, पंजाब पराली साड़न से किसानों जुर्माना हो रहा, पंजाब किसानों ने पराली के हल मुड़ सरकार तो मुआवजा मंगया है। MS स्वामीनाथन ने कहा किसानों इल्जाम लगाना समस्या का हल नहीं है। MS स्वामीनाथन की किन्नी मानते हैं, पहले तो मानी नहीं गई, यह भी अपने आप सवाल है। बड़ा सवाल इको पूछा जाएगा, सवाल यह पूछा जाएगा, अहदे ते भेद गुप्त रखने की सहुं खाने वाले जनता को साफ आबो हवा देने की सहुं क्यों नहीं चकते, इस सवाल से बहस करा। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारुफ करा रहा, प्रोफेसर अरुणदीप आलूवालिया जी, एनवायरमेंटलिस्ट ने, चौगिरदा प्रेमी ने, बहुत लंबा तजर्बा इन्हों का है, लंबा समा यह प्रोफेसर रहे है कि है, बच्चों को पढ़ाते रहे है कि है कि साफ हवा साडे लिए कितनी जरूरी है कि है, UN तक इन्हों की आवाज़ गूंजती है कि जो ये बोलते हैं कि है, इन्होंने टिप्पणियों का मतलब होंगे, तो इन्होंने टिप्पणियों को समझदा कौन है, सवाल यह है। आलूवालिया साहब अक्सर इमोशनल भी हो जाते इस मुद्दे पर, इमोशनल होना भी लाजमी है, इमोशनल नहीं होव कि असी शायद इस मुद्दे का हल नहीं लग पावे। आलूवालिया साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर भारतीय जनता पार्टी बुलारे, भुल्लर साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। इस संघ के जो किसान विंग हैगा उन्होंने भी अहदेदार है, इस करके इन्होंने सद्या से जाना लाजमी से। भुल्लर साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। गुरमनीत सिंह मांगट कांग्रेस से बुला रहे हैं, गुरमनीत सिंह मांगट यूथ लीडर ने, इन समझने की कोशिश करा कि हूँ जोड़े सियासी नौजवान है कि किस तरीके इस सारे मुद्दे सोचते समझते हैं। मांगट साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी बुला रहे, वकील भी है, यह भी यूथ लीडर ने, रविंदर सिंह थोड़ा बहुत स्वागत है। इन्होंने इल्जाम बहुत है कि दिल्ली सरकार इल्जाम क्यों लाती हैगी, दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़िया है। रविंदर सिंह थोड़ा बहुत स्वागत है। मेयर सिंह थेड़ी BKU सिद्धूपुर ने, थेड़ी साहब का बड़ा लंबा तजर्बा है, हमेशा किसान ते इल्जाम लाए जाते हैं पर किसान खुद को पीड़ित ते ठगे हुआ महसूस करता है, इस किसान की कौन सुनेगा। थेड़ी साहब थोड़ा बहुत स्वागत है, इन्होंने समझने की कोशिश करा। सवाल बहुत सारे है कि मैं सियासत तो पासे हट के, थेड़ी साहब सब तो पहला सवाल तुहाडे तों लैना चाहूँगा। थेड़ी साहब प्रदूषण तो है, इस विच किसान भी हिस्सा पा रहा, इस गल तो मुनकरता नहीं होया जा सकता। देखो जब पराली तो अग लगाई जाती है प्रदूषण तो बढ़ता है, इतने कोई मुकर नहीं सकता, पर अग लगा किसान की मजबूरी बन गया, क्योंकि एक पास 2-3 लाख पिछे किसान खुदकशियां कर रहे हैं। जे पराली अग नहीं लगाई जाती तो 4 से 5 हज़ार रुपया पर एकड़ का जोड़ा खर्चा वो किसान तो होर बढ़ गया। जे 5-4 हज़ार रुपया एक एकड़ के विचों एक किसान का होर घट जाता तो दसो कोई किसान वध खुदकशियां करू जा वो घट जाऊगा। सरकार तो पिछले 2 सीजन तो जदा प्रदूषण का बहुता मसला उभरिया, किसान मंग कर रहे हैं कि सानू इहदा थोड़ा बहुता मुआवजा दे दिता जाए। नहीं 100 रुपये पर एकड़ मुआवजे हल हो जूगा? देखो 100 नाल हल नहीं हुंदा,
पर किसान भी जे डीजल का खर्चा सरकार चक लवे ता जो मशीनरी घसनी है ट्रैक्टर घसना है जा होर मजदूरी है किसान भी चक सकता है वो बंट के तो पाया जा सकता है पर यह तो नहीं है भी 5000 रुपया पूरे ही किसान के सिर पा दिता जाए। ठीक है मैं वापस आऊँ तेरे को अलवरे साहब इस सब दे विच मीडिया का बहुत वड्डा हिस्सा जिम्मेवार हैगा कि वह किस तरीके ना किसानां दी तस्वीर पेश करता हैगा। मैं किसानां दा वकील नहीं हैगा अलवरे साहब पर सवाल यह हैगा कल्ले किसान ही जिम्मेवार क्यों जे दिल्ली दे विच प्रदूषण हुंदा दिल्ली दे विच दिल्ली दी इंडस्ट्री भी जिम्मेवार है दिल्ली दे विच गड्डियां चलदियां वह भी जिम्मेवार है की है उत्थे टायर साड़े जांदे आ बवाना एरिए दे विच उस दी कोई जिक्र तक भी नहीं करता उसकी कोई गल भी नहीं करता ना उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। अलवरे साहब पूरा सिस्टम जिम्मेदार है ते चार दिन का रोना रो के नहीं इस प्रॉब्लम का हल होना। इंग्लिश कहते ने वट कैन गो रोंग विल गो रोंग एंड इट मस्ट नॉट गो रोंग। हर साल यही रोना और उसके बाद मैं जो कहती हूँ अभी हुआ ना अभी शोर शराबा हुआ ना 16 तारीख को मैं हिसार से वापस आ रहा था मैंने पूरे खेत जलते देखे तो इतने दिन लोग कहाँ सोए थे क्यों नहीं बोले थे अभी एकदम से जो भी कुछ बोला जा रहा है इट इज़ ए रिएक्शन टू गैलरी एक ड्रामा किया जा रहा है बड़ा हाई लेवल सिस्टम का हर अंग ड्रामा कर रहा है अदरवाइज होल ईयर दे शुड हैव वोकन टू इट एंड सीन टू इट के इसका सोल्यूशन। एनजीटी ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी एनजीटी ने बिल्कुल सही कहा एनजीटी ने किया कि तुसी इंडिया तैयारियां पहला क्यों नहीं शुरू कर दे हुन तुसी ड्रामे कर दे पे हो। बिल्कुल मैं जानता नहीं उन्होंने कहा पर मैं भी ये कह रहा हूँ बिल्कुल ड्रामा है ड्रामा हो रहा है सारा एब्सोल्यूट ड्रामा। ठीक है रविंदर सिंह मैं ना टिप्पणी बाद चलूंगा रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। मैं कई बार हैरान होता जिदा इस सारे मसले नू प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आलू वालिया साहब ने कहा कि ड्रामा हैगा या उन्होंने कहा कि मजबूरी है। देखो किसान जड़ा हैगा मेरी निजी राय है कि किसान इदा निजी राय नहीं मैं लेनी रविंदर सिंह निजी राय नहीं लेनी नहीं माफ करना मेरे को वक्त नहीं है ना मैं निजी राय नहीं लेनी मैं पार्टी राय लेनी है। पार्टी राय भी यही है सर पार्टी राय भी यही है कि किसान जड़ा हैगा वह इदा एक्यूज्ड नहीं हैगा वह इदा विक्टिम है वह आप इदा संताप हंडा रहा है यह गल तुसी नोट करो। तो तीजी गल जिनी भी लिटीगेशन चलती है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट के PIIL फाइल की हुई है या जी सुप्रीम कोर्ट के लिटीगेशन चलती है या जी NGT ते लिटीगेशन चलती है आयरनी ऑफ द मैटर इज कि इनू किदा प्रोपोगेट किया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जेड़ी लिटिगेशन चल रही है वो चल रही है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ वो चल रही है। देखो जेड़ी यूनियन ऑफ इंडिया है जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट है उदे उत्थे किहदी सरकार है जी जिहड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है वह किहदे अंडर आंदा है जी वह आंदा है जी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर। जिहड़ी कांग्रेस हैगी है जी पंजाब दे विच जे कोई लिटिगेशन PIIL फाइल करता है तो जिहड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वह किहदा है जी वह हैगा जी पंजाब गवर्नमेंट का उत्थे सरकार किहदी है पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा के खिलाफ जे कोई लिटिगेशन हुंदी है जी तो कौन गवर्नमेंट है जी उत्थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा गवर्नमेंट की दी है जी BJP दी। एक्यूज किनू करना है सी जद असी रौला पाना तो एक्यूज करना है जी दिल्ली वाले CM नू ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਬ ਓਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ NGT ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ NGT ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ NGT ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 300 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 300 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ NGT ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ NGT ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ
ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਡ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 300 ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ 550 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 500 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਤੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਇਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਛੁਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਟਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਯੂਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੌਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ਲੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਐਵਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੱਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਲਾਈਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ CNG ਇਕੁਇਪਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਟੋਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ CNG 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੇਜ਼ਡ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਡਜ਼ CNG ਕੋਜ਼ਿਸ ਮੋਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਅ ਡੀਜ਼ਲ ਡਰਿਵਨ ਟੈਕਸੀ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਕੀਪ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਟੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੀਪਤ ਹੋਵੇ, ਰੋਹਤਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਮਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਾਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ BKU ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, 10,000 ਪਰਚੇ।
हाँ देखो जी परचे करी जाने बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ तो डिनाई नहीं कर रहा तो परचेस करके किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा जा रहा है भी तुम स्टबल बर्निंग नहीं करनी हैगी ठीक है और वकील साहब कोई गल जो एनजीटी ने हुक्म दिए है वो तुम मनने नहीं गए तो किसानों पर ठीक है जी उस तो अलावा देर आर अल्टरनेटिव उन्होंने अल्टरनेटिव वाल उन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज करने को कहा गया है ठीक है अल्टरनेटिव तक क्या आता जाता है पर उन्होंने अल्टरनेटिव देने वास्ते सरकार की कर दी है सवाल ही है मैं आ रहा हूं नहीं मेरा भी जवाब दे देना जी वापस आ रहा मैं मशीनरी की भी गल कही है वो मिल रही है जी गवर्नमेंट एक मिनट मैं बड़ा एक और आ रहा हूं सर केंद्र सरकार दे हाथ सब कुछ है पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है कि उनकी वजह की हैगी है कि प्रदूषण प्रायोरिटी नहीं है देखो पहला तो मैं गलत बड़ा हैरान है कि अं सिर्फ दिल्ली की गल क्यों कर रहे हैं अब दिल्ली जो है 11वें 12वें नंबर के उत्ते जो है आया प्रदूषण के अठ शहर यूपी दे दो हरियाणा दोनों थावां ते बीजेपी की सरकार बिल्कुल मैं उही कह रहा ना कि असीं सिर्फ दिल्ली का रोना क्यों रो रहे हैं कि दिल्ली दे विच प्रदूषण है मैं तो शुरू ही इत्थों कीता है कि साडा मीडिया भी जिम्मेवार है दिल्ली दिल्ली करदा पिया इत्थे भी 400 600 मंडी गोबिंदगढ़ सारे किते रहा चंडीगढ़ दा अलर्ट होया दिल्ली दे विच मीडिया आप बैठे नहीं नहीं एक मिनट प्लीज ठीक है ठीक है इन्होंने एडमिट की गल वेलकम स्टेप है देखो जिहड़ा पोल्यूशन हैगा इन्हां दिनां जिहड़ा हुंदा है उह कल्ला दा कल्ला पराली साड़न दे नाल जां किसानां दे कसूरवार नहीं हैगे उहदे विच उत्तों सवाए भी साढ़े एक दो त्यौहार यहोजे आते हैं जिद मैक्सीम पोल्यूशन का काम जो है देन होंगी है चाहे आप दिवाली ला लीए असी चाहे आप जो दशहरे मनाते हैं कोई टाइम से कोई समा जो दशहरा शहर के चार पाँच थावान के उत्ते वे पद्धर से मनाया जाता है अज एक एक महल्ले चार चार मनाए जाते हैं उन्होंने कोई रोक नहीं हैगी अज उन्होंने कोई रोक नहीं हैगी अज साढ़े च रेस लगी हुई है भी अं कि वड्डा रावण खड़ा कर सकते हैं और उस किन्ने ज़्यादा बंब पा सकते हैं असं एक कितना कितने जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने चाहे वह दिवाली है चाहे दुशहरा है चाहे पराली है जिहड़ी भी चीज़ इस चीज़ नूं नुकसान कर रही है उत्ते सानू चाहे सेंटर गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हां नूं और ईवन चाहे किसान ने चाहे पब्लिक है उन्हें सोचना पेगा दूसरी गल सवाल कर लो मैं एक चीज़ होर मैं तुसीं दशहरा दिवाली जिक्र कीता हैगा मैं त्यौहारां दे खिलाफ नहीं हैगा पर सवाल यह है कि सियासतदान तो खुद रिमोट लैके उत्थे रावण खुद साड़ते हैगे उन्हां दा की करीए मैं उही दस्सिया ना जी कितना किते इस चीज़ नूं आपां नूं कितने चेंज करना पेगा दूसरी जी सब तो वो गल जी है पोल्यूशन की मेरे प्रोफेसर साहब क्योंकि इस फील्ड ने सहमत हो गए जिहड़ा असी खेतों के पेड़ों की कटाई कर चुके हैं जिहड़े असी जंगल खत्म कर दिते हैं वो भी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जिहड़ा दिल्ली वाला जिस तक सवाल हैगा दिल्ली के अंदर अज जी स्टेटमेंट सी केजरीवाल साहब की भी कि 25% साड़ा माइनस हो गया एक बार गड्डियां बंद करने के उत्ते और दिल्ली के पोल्यूशन कोई यह नहीं है भी सिर्फ इन्होंने दिनों होंगे उसे 24/7 × 365 जो है पोल्यूशन रहा है और उस टाइम के उत्ते पोल्यूशन के उत्ते क्यों नहीं रोक लाई जाती यह भी सवाल है एक पुलिस तुम्हें क्या कि जंगल असं वढ़ रहे हैं मुंबई के महाराष्ट्र के आरा भुल गए आरा की घटना हाँ जी आलू वाली साहब उत्थे भी सरकार तुहाडी है आलू वाली साहब सवाल यह हैगा कि एयर क्वालिटी इंडैक्स की असं गल करते हैं क्या मैं एक जगह पढ़ रहा है जे मैं गलत हुआ करैक्ट कर दूँ जियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हो बड़े तकड़े हैड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हो एक सुनने में आया कि ये मौतें तो हो ही रही है जिहड़े असं जिंदते भी है साड़ी जी याददाश्त है कमजोर हो रही है असं भुलन लग पे है यानी कि एयर क्वालिटी इंडैक्स AQI के नाल साडा IQ लैवल है वो डाउन हो जाएगा मुझे बहुत हैरानी होती है कि खाली इसकी स्टबल बर्निंग की बात हो रही है पटाखे क्यों छोड़ दे रहे हैं हम सड़क की गंदी क्वालिटी क्यों छोड़ दे रहे हैं एक घटिया तरीका कंस्ट्रक्शन का क्यों छोड़ दे रहे हैं जो टायरों की घिसाई है उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं और जो पेड़ कटे दिल्ली में कटे 3000 महाराष्ट्र में कटे पंजाब में हजारों कटे हिमाचल में शिमला कालका शिमला रोड बनाए हमने रोड का बेड़ा गर्क किया और लाखों पेड़ कटे पेड़ पे कोई रोता ही नहीं है पेड़ कटने के बाद में मैंने पर्यावरण मंत्री को बड़ा मुस्कुराते देखा कि अब तो हमने काट लिया भैया अब तुम काट चुके हमने जो काटने थे काट लिए तो दैट सॉर्ट ऑफ फेट कंप्ली मतलब एक इतना बड़ा षड्यंत्र हर कोई मिलके करेगा वहां पार्टियां तो आती ही नहीं है अच्छा फिर पार्टी की बात अरे कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन जीतने के बाद में पटाखे नहीं बजाती नहीं हमारी पार्टी है हमारी पार्टी है एक मिनट यादश कमजोर हो रही है किते सियासतदानां ते भी असर तो नहीं होने लग पाया जिहड़ा इंडेक्स वधदा जा रहा है ये भुलन तो नहीं लग पे आई वुड लाइक एक बार एक
एक एथिकल ऑडिट हो और ये पता लगे हमें सीएजी के थ्रू कि कितने पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने कितने एयर प्योरीफायर्स खरीदे, नंबर दो कितनों ने अपने कमरों को, ऑफिस के घरों वालों को एयर टाइट बनाया सो दैट देयर एयर प्योरीफायर्स आर इफेक्टिव। बहुत विके एयर प्योरीफायर, मैं ये बोल रहा हूं, एक मास्क बहुत विके है गया, मास्क तो नहीं बेच रहे किधर, मास्क इज अ फ्रॉड बिकॉज दैट मास्क इज इनइफेक्टिव। आप 2.5 एंड 1.0 की बात कर रहे हो, वो तो आप बड़े बंद कमरे में भी बैठ जाइए, वो कहते हैं छुट्टी कर देंगे, वहां छुट्टी कर देंगे बिकॉज बड़ा पॉल्यूशन है। नहीं, अरे गदार में पॉल्यूशन बाजार से ज्यादा है। गोदाम च मास्क पे सी, उन्होंने तो नहीं बेचना सी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटा ब्रेक, मैं एक छोटा ब्रेक लेना, ब्रेक तो वापस आऊंगा। जेड़े तुहाड़े दिमाग दे विच सवाल है क्या, तुहाड़े दिल दे विच सवाल है क्या, मैं सारे सवाल उही करूंगा, मैं वो सवाल नहीं करूंगा कि तुहानू आंकड़े की खेड विच उलझा देवां ते फिर तुहाड़े तो तुहानू कह देवां कि मैं इत्थे डिबेट कीती सी। मैं डिबेट वो करूंगा जेड़ी तुहाडे मतलब की हैगी, तुहानू समझ आवे। एयर क्वालिटी इंडैक्स 999 पहुँच गया, 695 पहुँच गया, 400 पहुंच गया, सारे दस रहे सब तो खतरनाक हैगा, पर खतरनाक यह हैगा कि साड़ी सियासी सिस्टम दे, साड़े पॉलिटिकल सिस्टम दे सुपने मर गए है क्या, वो तुहाडे सुपने भी मार रहा है। मैं उन्होंने सुपनों की गल कर रहा, ब्रेक तो वापस आ रहा। सवाल एक पूछ रहे हैं, अहुदे अते भेद गुप्त रखने की सहुं खाण वाले जनता नूं साफ आबो हवा देने की सहुं क्यों नहीं चुकते? तेड़ी साहब कला हल यही है कि तुहानूं पर एकड़ जिहड़ा वो राशि मिले तो उस तो बाद ही समस्या का हल हो सकता है, या होर कोई हल है? हल तो बहुत हैगी है जी, जे सियासतदान करना चाहन, पर यह हल सिर्फ सियासत को लिया। किसान आपके पद्धर से, जिवें साढ़े कोले कई तरह दी खबरां आउंदियां, किसान आपके पद्धर से लगे हुए कोशिशां करन, वह किसान वह है जिहड़े सरदे पुजदे आ, जिहड़े दो एकड़ की जिन्हां कोले दो एकड़ जमीन है की आ, वह किसान आपके पद्धर से नहीं कर सकते, वह करे नहीं सकते जी। जिहड़ी मशीनां सरकार दे रही है उहनूं 60 पावर का ट्रैक्टर खिंचदा है, हैप्पी सीडर टाइप, हैप्पी सीडर तो बाद होर भी है, जिस तरह गठा बनाउणिया जां उहनूं अल्टावे हल नाल थलना, वह 60 पावर का ट्रैक्टर चाहिए। एक पासे खेतीबाड़ी महकमा जिहड़े करोड़ां रुपया खर्च करदा प्रचार ते पिंडां चे विच जदों कैंप लाउंदे आ कि छोटा किसान 25 दा 35 दा ट्रैक्टर रखो, वड्डा ट्रैक्टर तुहानूं वध पैसों का मिलता तो खर्च वध करदा। मैं बड़ा हैरान हाँ इन्हां सियासतदानां ते, जदों 75% लोगों को ट्रैक्टर छोटा है, ये 60 पावर दे नाल खिंचण वालियां मशीनां क्यों सबसिडी दे रहे हैं? आम किसान मंगदा कि सानू रोटावेटर दे दो, असी दो बारी घुमा के हैरो फेर के पराली नूं रला लांगे, पर रोटावेटर की सबसिडी वह बंद कर दिती है। एक मैं होर दसो थेड़ी साहब, एक ना आम जनता जिहड़ी जिन्हां नूं नहीं पता हैगा, जिहड़े सिर्फ ये सुनते हैं कि पराली करके ही सारा प्रदूषण हो रहा, उन्होंने जरूर समझाओ। वो एक सवाल पूछते पे है, पंजाब में पराली सड़ती है, 300 किलोमीटर दूर जाके दिल्ली में पराली का लिफाफा क्यों बन जाता एडा वड्डा? मैं तो यह पूछना चाहना जी, दिल्ली के जो भी दिल्ली जाइए, हाँ वो जो डंप ग्राउंड बनया वह उसे 24 घंटे अग बलती रही है, उतना क्यों नहीं दिखता भी वो धुआं नाले गंदा नाले मुश्क आला है नाले कौड़ा, वो जाता दिल्ली में, वह अज तक सरकार ने 70 साल हो गए की हल किया? फिर आ जिहड़ा गड्डिया का तो हैगा भी आ नहीं चलण देनी, आ चलण देनी, आ वो बंद करनी, अज आ चलानी है। इन्होंने ये कहा भी प्रदूषण रहित यानी धुआं रहित गड्डिया चलाओ, तुसी जिथे मर्जी देख लो, मैनू अज तक दिखा दो किसी ने गड्डी का धुआं चैक किया हो, तुसी भी सर्टिफिकेट लेने हैं, पैसे फड़ाओ उतो सर्टिफिकेट लैके जेब विच पा दो तो गड्डी धुआं छड्डण ते हट जाती है। जो इन चीज़ों सरकार क्यों नहीं सोचती, ये सियासतदान कितने सुते पे हैं? दूजा जिहड़ा किसान नूं जिम्मेवार ठहराया जाता है, किसान 8-9 महीने अपने खेत दे विच हरियाई पैदा करके, जिहड़ी आलूवालिया साहब ने कहा कि दरख्त कट्टे गए, वो किसान तो 9 महीने अपनी ऑक्सीजन पैदा करके दिंदा, असीं तां सिर्फ 20 दिन अग लाउने हैं, फिर किसान नूं दोषी क्यों सा ठहराया जाता है? जिहड़ियां फैक्ट्रियां जिहड़ियां गड्डियां जिहड़ा होर प्रदूषण होंदा वो साल भर प्रदूषण ही करदे आ, कदे ऑक्सीजन पैदा तो नहीं करदे, हरियाई तो नहीं दिंदे, ठीक है, फिर सानू क्यों दोषी ठहराया जांदा? ठीक है पुलर साहब, एक इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी, इंडस्ट्री बहुत वड्डा हिस्सा हैगा इंडस्ट्री दा प्रदूषण दे विच, सवाल यह भी हैगा जिहड़ियां गड्डियां चलदियां हैगियां सड़कां ते, उहनां दे सवाल दे नाल किसानां दा सवाल यह हैगा कि असी सानू हमेशा वोट बैंक वजो वरत्या जाता है, साड़ी जिहड़ी मजबूरी हैगी उसनू समझा नहीं जाता है, जिहड़ा कारपोरेट घराणे का प्रदूषण है उस ते कोई सवाल नहीं करता, साडे ते सवाल किया जाता है। देखो कितना कितने चाहे कोई भी सरकार रही हो, जिहड़ा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैगा किसी भी स्टेट का,
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਿਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਵੇ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ IAS ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਮਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਕਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂਗਾ? ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ BJP ਦਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਏਕੜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੌਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਰੇ ਅਰੇ ਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਜ਼ ਮੱਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਡਬਲ ਦੀ ਵੇ ਫਸਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ MSP ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਚੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? KP ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
हूँ मैं तो बीजेपी या कांग्रेस की गल नहीं कर रहा और मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स ही कह चुका भी जिहड़े गवर्नमेंट भी कितना कितने हिस्सेदार है मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स कह चुका हूँ मक्की की जी एम एस पी हैगी 1703 या 1708 रुपए हैगी है पर जे ऑन एन एवरेज 700 रुपए विकती है तो हूँ महाराष्ट्र च पिछे जे 1100 नूं विकी है जे आप ज़्यादा एरिया अंडर मेज लियाइए तो सानू दुगना फायदा होगा किसानों भी होगा ब्राजील का जो कल्टीवेबल लैंड है 21% जो एरिया है वह अंडर मेज है इंडिया के 7% तो घट है जो इथनॉल बनूगा वह कार्बन मोनोक्साइड नहीं छड़दा अपने आप ही काम कंट्रोल हो जूगा अलवली साहब की सरकारां ते केस होने चाहिए कि तुहानू साफ हवा साफ पानी नहीं दे पा रही राइट टू लाइफ डिपेंड्स ऑन माई राइट टू ब्रीथ इनफैक्ट I'm in a gas chamber. I'm in a slow suicide. I'm in a slow killing. Everybody, मैं और मेरी मेरी नेक्स्ट जनरेशन और उनकी अगली जनरेशन मर रही है पैदा होने से पहले मर रही है और इसके ऊपर कोई इमोशनल नहीं है चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा और जनता को मैं दोष देता हूं उन्होंने नेताओं से पूछा क्यों नहीं कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो तुम हमारे जीने मरने की बात क्यों नहीं कर रहे हो ये जनता वही सरकार मिलती है जनता को जो वो डिजर्व करती है हम लोग अगर नालायक हैं एज वोटर्स अगर हम हर किसी अरे गहरे को वोट दे देंगे जिसने हमारे हित की बात नहीं की जिसने हमारे जीने मरने की बात नहीं की हमारी अगली पीढ़ी के जीवन की बात नहीं की हमारी सेहत की बात नहीं की हमारे हवा पानी की बात नहीं की तो फिर काहे की सरकार हमने क्यों इलेक्ट की ऐसी कुल मिला के हुण एजेंडा बदलने की लोड़ है की है एजेंडा बदलने की लोड़ है की ब्रेक तो बाद वापस आवेंगे आखिरी हिस्से में असं होवे असी सिर्फ जमीनी प्रदूषण की गल करते पे है क्या एक चुगिरदा मार है ने अनिल सूद उन्होंने दसिया है कि जेडे दिल्ली में जहाज उड़ते हैं क्या वो किन्ना धूआ सुटते हैं कि उन्होंने कोई गल ही नहीं करता जहाजा च वे वे बंदे उड़ते हैं इसलिए गल नहीं हो रही कि पर चुगिरदा प्रेमी ने चिंता जताई है की आने वाले साहब तो ब्रेक तो बाद वापस आके पुछूँगा वो चिंता है जा नहीं सवाल एक पुछ रहे सवाल असं ये पूछ रहे हैं अहदे भेद गुप्त रखने की सहुँ खाने वाले जनता को साफ आबो हवा देने की सहुँ क्यों नहीं चुकते अलवर साहब मैं ब्रेक से जाने तो पहले एक सवाल छड़ के गया सीगा अनिल सूद साहब ने चुगिरदा प्रेमी ने इन्होंने एक सवाल चुकया है कि दिल्ली तो रोजाना 209 जहाज उड़ान भरते हैं जो कि 400,000 कारा के बराबर धूं जमीन और असमान छड़ते हैं दिल्ली के असमान में रोजाना 43,00,000 लीटर ईंधन रोज़ सड़ता है जिससे लघु कण वातावरण घुल के दिल्ली की हवा में प्रदूषित कर रहे हैं इनका कोई जिक्र नहीं कर रहा कितने भी इन्होंने CPCC से भी सवाल किए हैं DPCC से भी सवाल किए हैं कहते DPCC कहती है साढ़े कोई मैकेनिज्म नहीं है इस मापन का जो सूद साहब कह रहे हैं आँख मूंद लेने का एक बड़ा भारी मल्टी लेवल षड्यंत्र है कि किसी मुद्दे पे फोकस ना करिए अदरवाइज जितने बड़े बड़े शहर बने उनके आगे और बड़े बने फिर महाबड़े शहर बने हम महात्मा गांधी को भूल गए जिन्होंने कहा था गांव को और छोटे कस्बों को आप बेस बनाइए तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा बहुत महान देश होगा आज क्या हो गया हमने नरक के माफिक वो बॉम्बे वो दिल्ली वो कलकत्ता वो मद्रास इवन चंडीगढ़ जैसे जो सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी का हमने बेड़ा गर्क कर दिया अब बचा क्या है शायद अगर हम लोग अर्बनाइजेशन पहाड़ों में करने लगे और अर्बनाइजेशन जो आज की अर्बनाइजेशन है उसको डिसबैंड करें मैं हैरान हूँ अभी हम दिल्ली को और बढ़ा रहे हैं हम नया पार्लियामेंट हाउस बनाएंगे हम नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनाएंगे हम सब कुछ नया दिल्ली में ही बनाएंगे और दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन एरिया हर महीने भूचाल आता है हमने पहले मैंने लिख के ये बात एज ए टीचर प्राइम मिनिस्टर को और जो जो नेता थे इंक्लूडिंग स्पीकर लोकसभा कहा था कि साहब आप दिल्ली से उठ के कहीं पर अपनी सरकार का जो ये तंत्र है इसको नागपुर के उधर में ले जाइए तो शायद दिल्ली का बचाव हो जाएगा अलवली साहब यहां लगता है कि दिल्ली के लोग हुण उत्थों पलायन करन लग पैणगे सोचण लग पैणगे अहीं जाणा कित्थे ऑलरेडी मेरे बच्चे दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं हमें नींद नहीं आती इस चिंता में कि हमारा 4 साल का पोता है उसका जीवन क्या होगा हमें चिंता रहती है अपने बच्चों की और हमारे यहाँ पे डिप्लोमेट्स पोस्टिंग लेने को तैयार नहीं है दिल्ली में लेते हैं तो इधर उधर किसी बहाने से हमारे जितने एक्सपैट्स हैं वो कोई यहाँ आने को तैयार नहीं सब भाग रहे हैं और हमारा कितना बढ़िया प्लानिंग है कि चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला जैसा बढ़िया ट्राई सिटी को हम डेवलप नहीं कर पाए अभी भी नौकरियां वही नोएडा में मिलेंगी गुड़गांव में मिलेंगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ तो आपके शहर वही दिल्ली ही बन गया आपका मक्का मदीना और दिल्ली बन गया नर्क आज की तारीख में एक महानर्क जो है आपका मक्का मदीना बन गया है पूरी इंडस्ट्री का पूरी जॉब इंडस्ट्री का ठीक है रविंद्र सिंह सवाल यह है पहला मीडिया ने कहा दिल्ली दिल वाले की है मैं तो कहूँगा हम दिल्ली खराब फेफड़िया वाले की है
देखो दिल्ली की कल्ली गल ना करिए जिदा पहला भुल्लर साहब ने भी कहा सारे ही गल कर रहे हैं ये जिहड़ा पोल्यूशन हैगा ये पूरे वर्ल्ड वाइड वैसे तो प्रॉब्लम हैगी ग्लोबल वार्मिंग की आप गल करते हैं पर पंजाब सॉरी इंडिया की जो गल करिए पंजाब के पिंड भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तुम ये देखो भी जो धुआं है मैं तुम्हें छोटी जी उदाहरण दिना राजीव गांधी नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिद्धूपुर पटियाला दे विच हैगी है उत्थे एक हफ्ते की छुट्टियां हो गई ने पूरे ये गल्लां फिर तुसी केजरीवाल साहब नूं क्यों नहीं दसदे जिहड़ी भी पंजाब भी प्रदूषण नूं भुगत रहा है जदों एक मिनट सुन लिया करो मैं बहुत ठरमे नाल डिबेट कर रहा मैं मैनूं भी ऐ बोलना आउंदा जिवें तुसी बोल रहे हो सवाल है रविंदर सिंह कि जदों पंजाब च वोटां लैणी उदों केजरीवाल साहब इत्थे फेरियां लाउंदे सीगे इत्थे किसानां नूं समझा दिंदे भाई सानूं बख्श दो आपदा भी ध्यान रखो साडा भी ध्यान रखो कह दिंदे ना आके तुसीं किसानां नूं सीधे सीधे हाथी जिम्मे ठहरा के सारी सियासत नूं चमकाउण दा मौका दे दित्ता इहदे चौटाला साहब कह रहे आ हरियाणा दे विच कि पंजाब दे नाल पाकिस्तान तों ही प्रदूषण आ रहा दसो मैं ना केपी जी थोड़ी गल ते कई वारी मैनूं हासी आउंदी तां आणा चाहीदा हासा तुहानूं आणा चाहीदा हासा तुहाडा हासा दुनिया देखदी है मैनूं अफसोस हो रिहा गुरमीत मांगड़ वार पंजाब दे किसानां नूं गुरु नानक साहब दे गुरपुरब दा 550 गुरपुरब दा हवाला दे के सब कुछ मनाना चाह रहे हैं पर तुहाडी सरकार है जिहड़ी गुरु नानक साहब के फलसफे नूं खुद किन्ना समझदी हैगी है गुरु नानक साहब ने तो कहा सीगा किरत करो वंड चुको तुसीं वंड के की चुका रहे हैं किसानां नूं मैनूं इस सवाल का जवाब दो देखो किपी जी जिहड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मशीनस हैगियां आ उह उहनां ते सबसिडी हैगी है पहली गल जिहड़ा फर्स्ट इनिशिएटिव लिया किसान तुहाडे कोले बैठे उन्होंने हुण उन्होंने सवाल कीते मैं भी किसान हां झूठ बोलदे पिया नहीं मैं भी किसान है ठीक है जी हुण मेरी गल सुनो सरदार जी हरेक घर एक मिनट सरदार जी एक मिनट तुसी बोलिया असी सुन लिया ठीक है बड़ा सौखा हुंदा आ ठीक है तुसी आप उन्ने जिम्मेवार हो हुण इन्हां ने गल कीती भी 60 हॉर्सपावर अक्यूजिंग किसान टेल मी जरूरत भी नहीं इसे करके सोसाइटियां बनाई गई प्रमोट मतलब जिहड़ी कहिंदे भी डिपार्टमेंट आ जांदा ओ डिपार्टमेंट पिंडा च जाके भी कह रहा है भी तुसी आपदी सोसाइटी बनाओ एक कलैक्टिव इंप्लीमेंट खरीदया जाए जिहड़ा एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है वह चलावे और इहदा प्रैक्टिकल मैं एग्जाम्पल दस दिंदा तुसी लुधियाणे दे कोल गिल हलके दे विच कई बेट दे पिंड ने जिन्हां दे पिंड दे विच एक तो दो ट्रैक्टर परसनल तो इलावा सारा यह सोसाइटीज दीआं चल रही हैं इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि हौली हौली जिहड़े पंजाब दे किसान ने वह जागरूक हो रहे ने नवे मुंडे आ रहे हैगे आ अल्टरनेटिव क्रॉप्स नूं देख रहे हैं पंजाब दे किसानां नूं नहीं पता हैगा देखो मैं इहदे च तुहानूं एक होर ऐड ऑन कर देना चाहुंदा मैं खुद भी किसान है साडी कौम दसां की है जी जे पड़ोसी ने कोई स्प्रे पाती ना जी ते मैं भी ओही स्प्रे पाउणी है भावें मेरी फसल नूं रिक्वायरमेंट होवे ना होवे ठीक है ठीक है मेन कारण है साहब ये सरकार दूजी गल मैं तुहाडा सवाल लै रहा तुहानूं नूं पुछो भी बीकेयू हुण तां ये आ गए इन्हां ने किन्ने कु किसानां नूं जागरूक कराया भी तुसीं हर साल फसल दी जिहड़ी सॉयल सैंपल लैके जाके उहदी टेस्टिंग कराओ हरेक ब्लॉक दे विच ठीक भी कह रहे हैगे आ उपजाऊ शक्ति आ जमीनां दी घट दी हैगी आ इह इन्हां नूं तां ऐ वी एनी गवर्नमेंट इन्हां ने झंडा चकना है कराओ ये कहिंदे बिचरा बोलो हुण ये क्यों नहीं चुप कर बोलो थोड़ी सब बोलो मैं पूछना चाहना जिला मोहाली चंडीगढ़ के सब तो नज़दीक बैठा है मैनू गिनती दे दें भी किन्नियां एग्रीकल्चर सोसायटियां नू मशीनां मिली है जे एक भी मोहाली जिले की सोसायटी मैनू मिल जाए जिथे खेतीबाड़ी महकमे ने मशीन दत्ती होवे मैं उहदा जवाब दे होऊंगा ਬਣਾਉਣ ਕੱਲ ਹੀ ਲੈਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਮੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਆ 12,700 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSP ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLA ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ BJP ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਸਮਝਾਏਗੀ ਇਹ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਉਨਸੇ ਪੂਛਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਦਹੀ ਕੀ ਜੁਮੀ ਹੈ ਤੁਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤੁਮ ਊਤ ਪਟਾਂਗ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮ ਮੈਂ ਆਜ ਖੁੱਲੇ ਮੇ ਪੂਛਤਾ ਹੂੰ ਹਮਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੂਰਤੀਓਂ ਪੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਅਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਦੇ ਦੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈ ਆਪਨੇ ਇਨਸੇ ਬੜੀ ਮੂਰ ਇਨਸੇ ਬੜੇ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਸੇ ਹੋਂਗੇ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪੂਜਾ ਇਨਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜ ਉਨਪੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਸਿਰਫ ਹਮ ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜੋ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੇਂਗੇ ਵਿਗਿਆਨ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਈ ਸੋਚ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਨਕੋ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏਂਗੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਕੋ ਉਖਾੜ ਕੇ ਫੇਂਕੇਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਣੇਂਗੇ ਜਬ ਨਏ ਨੇਤਾ ਜਬ ਇਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਓਂ ਕੋ ਵੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਂਗੇ ਤਭੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਘੁਸ ਰਹਾ ਆਪਕੇ ਫੇਫੜੋਂ ਮੇ ਘੁਸ ਰਹਾ ਆਪਕੇ ਜਿਗਰ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਆਪਕੀ ਕਿਡਨੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਆਪਕੀ ਹੱਡੀਓਂ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਆਪਕੀ ਆਂਖ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿਆ ਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਆਵਾ ਉਤ ਗਿਆ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਔਰ ਉਸਸੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹੋਈ ਤੋ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗੀ ਵੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆਲੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਲੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆਲੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ